तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बंगाली सेनपाई। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 एपिसोड 2 के बारे में। और ये पहली बार है कि मैं अपना कोई वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ, तो मेरे बंगाली एक्सेंट को बिना जज किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग एपिसोड के शुरुआत में ही देख सकते हैं कि इस एपिसोड में कैरेक्टर्स स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं अब क्या करना चाहिए उन लोगों को फ्यूचर में। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि जीक का अगला प्लान क्या है, फैल्गो का फीलिंग्स और कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ जो शायद आप लोग मिस कर चुके हैं। बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो जैसे कि हम लोगों को पता था, एपिसोड 2 का टाइटल है मिडनाइट ट्रेन। और एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम लोग देख सकते हैं मार्लियन जनरल्स को डिस्कस करते हुए द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वॉर दैट वी सॉ लास्ट वीक। तो शायद आप में से कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज है कि वो वॉर किस बारे में था। तो आप में से जिन लोगों को नहीं पता, वो वॉर 4 साल से चल रहा है मार्ली और उसके नेबरिंग नेशंस के बीच। मार्ली आप लोगों को अगर पता नहीं है तो वो जगह है जहाँ से कैरेक्टर्स लाइक जीक और रेना आए हैं। और ये 4 साल से जो वार चल रहा है वो शुरुआत हुआ था क्योंकि बाकी के नेशंस ने सोचा कि मार्ली बहुत वीक हो चुका है अपने कॉलोसल और फीमेल टाइटन का पावर लूज करके। इसीलिए फर्स्ट एपिसोड में जीक ने बोला था कि उन लोगों के गलती के वजह से ये 4 साल का जो वार है वो स्टार्ट हुआ था। एनीवे, कमिंग बैक टू एपिसोड 2, मार्लियन जनरल्स को अब पता चल चुका है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है और एनिमी नेशंस के पास ऐसे भी वेपन्स है जो इजीली किसी भी टाइटन को गिरा सकता है, जो हम लोग ऑलरेडी एपिसोड 1 में देख चुके हैं। तभी जीक अपना प्लान सबके सामने रखता है कि उन लोगों को फिर से पैराडाइस आइलैंड में हमला बोलना चाहिए और सारे टाइटन शिफ्टर्स का पावर हासिल करना चाहिए। इससे मार्ली को इतना टाइम तो मिल ही जाएगा कि वो लोग भी अपना टेक्नोलॉजी डेवलप करे और दूसरे नेशंस के टेक्नोलॉजी के बराबर जा सके। और हमें ये भी पता चला कि जीक के पास अभी सिर्फ एक ही साल है जिंदा रहने के लिए। मर गया मादर। और जीक के बाद जो बीस टाइटन का पावर इनहेरिट करने वाला है उसका नाम है कॉल्ड ग्राइस। अगर सब कुछ ठीक चला तो 1 साल के अंदर उसको ही मिलेगा 20 टाइटन का पावर। मूविंग ऑन, एपिसोड 2 में हम लोगों को रेनर के माइंडसेट का थोड़ा ग्लिम्स मिला है और ये तो हम लोगों को पता चल ही गया कि वो अभी तक ट्रॉमेटाइज है जो भी पैराडाइज आइलैंड में हुआ था उससे। और पॉर्को गैलियर्ड जो अभी नया जॉ टाइटन है उसने रेनर को बहुत कुछ सुनाया और उसे ये भी लगता है कि रेनर को कभी भी आइलैंड पे जाना नहीं चाहिए था और वो अभी भी रेनर को दोषी मानता है अपने भाई के मौत के लिए। लेटर एपिसोड में हम लोगों को 4 नए वॉरियर कैंडिडेट्स का इंट्रोडक्शन हुआ और इनमें से ही कोई एक होगा जिसको आर्मर टाइटन का पावर मिलेगा। लेटर एपिसोड में रेनर एडमिट करता है कि अगर कोई काबिल है आर्मर टाइटन का पावर इनहेरिट करने में तो वो गैबी है। पर सिर्फ गैबी ही नहीं जिसे वो पावर चाहिए, हमें पता चला फैल्को भी आर्मर टाइटन का पावर पाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है और उतना ही मेहनत कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो इस एपिसोड से हम लोगों को पता चला कि जैसे जैसे टाइटन्स वार में लेस यूजफुल बनते जा रहे हैं उसी तरह से एल्डियन रेस का यूजफुलनेस वो भी घटता चला जा रहा है। जैसे कि हम लोगों को सीजन 3 में पता चला था कि सिर्फ एल्डियंस ही ऐसे ह्यूमंस हैं जो टाइटन शिफ्टर्स का पावर इनहेरिट और उन टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और सिर्फ इसी बात के लिए उन लोगों को रेसिज्म का फेस करना पड़ता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मार्लियंस के पास एल्डियंस को यूज करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है कि वो लोग अपने आप को एक टाइटन में बदल सकते हैं। और जैसे कि एक वॉरियर कैंडिडेट ने बोला कि क्या होने वाला है उन लोगों के साथ जब टाइटन्स का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा इस वॉर में, हो सकता है सारे एलियंस को मार दिया जाए या फिर इससे भी बदतर तरीके से ट्रीट किया जाए उन लोगों के साथ। एनीवे, मूविंग बैक टू द रीजन जिसके लिए आर्मर टाइटन का पावर फैल्को अपने पास चाहता है ताकि वो गैबी का लाइफ बचा सके, क्योंकि अगर गैबी के पास आर्मर टाइटन का पावर चला गया तो वो सिर्फ 13 साल के लिए जी पाएगी ड्यू टू द कर्स ऑफ यमीन, नॉट टू मेंशन द फैक्ट वो शायद उससे भी पहले मर सकती है क्योंकि एंटी टाइटन टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी के साथ डेवलप हो रहा है। और इसी बात के लिए ये तो काफी ऑब्वियस हो चुका है कि फैल्को को गैबी के ऊपर क्रश है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और जैसे कि एपिसोड आगे चलता गया हम लोग देख पा रहे हैं कि जो ट्रेन है उससे सारे एलियंस को वापस लाइब्रेरियो लेके जा रहा है जो कि रेनर का होम टाउन है। और लाइब्रेरियो का एक ऐसा रूल है जिस वजह से सारे एलियंस को अपने हाथ पे एक आर्म बैंड पहनना होता है जिससे उन लोगों का स्टेटस सिग्निफाई होता है। जैसे कि सारे वॉरियर कैंडिडेट्स के हाथ में येलो आर्म बैंड होता है, वैसे ही जो टाइटन शिफ्टर्स है जैसे कि रेनर उसके हाथ में रेड आर्म बैंड होता है और ये आर्म बैंड उनके फैमिली को भी पहनना पड़ता है। फिर जब फैल्को अपने
घर के रास्ते पे जा रहा था, तभी वो कुछ एल्डियन सोल्जर्स को नोटिस किए जिनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था। और उन्हीं सोल्जर्स में से एक को फाल्को ने नोटिस किया, जिसका आर्म बैंड उसके गलत हाथ में था। और फिर फाल्को ने उसका आर्म बैंड ठीक करने में हेल्प किया उसको। और वही करते करते उसने उस आदमी को बोला कि उसे अब और लड़ने की जरूरत नहीं है, और अभी इस आदमी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बट बोलना तो बहुत कुछ है। कंट्रोल कंट्रोल। एपिसोड 2 के एंडिंग में हम लोग देख पा रहे हैं सारे मार्लियन वॉरियर्स को एक मीटिंग करते हुए, और इस मीटिंग में जीक ने सारे वॉरियर्स को ये एक्सप्लेन किया कि टेक्नोलॉजी जब पूरी तरह से टाइटन पावर्स को सरपास कर लेगा तब सारे एलियंस को खत्म कर दिया जाएगा। फिर उसने अपना नया प्लान उन लोगों के साथ शेयर किया जिससे वो लोग फिर से आइलैंड में इन्वेट करेंगे और फाउंडिंग टाइटन का पावर अपने लिए ले लेंगे, ताकि मार्ली को उतना टाइम तो मिले अपने आर्मी और मिलिट्री को फिर से रिबिल्ड कर सके। हाउएवर अगर ये प्लान सक्सेसफुल भी हो गया तब भी ये प्लान एल्डियंस को मरने से नहीं रोक सकता। पर फिर जीक ने एक और एडिशनल प्लान दिया जिससे सारे एल्डियंस को बचाया जा सके, जो कि टाइवर फैमिली के हेल्प के बिना नहीं हो सकता। टाइवर फैमिली वही फैमिली है जिनके पास वॉरहैमर टाइटन का पावर है। वो लोग सबसे रेस्पेक्टेड एल्डियन फैमिली है क्योंकि उनके एंसेस्टर ने एल्डियन रॉयल फैमिली के अगेंस्ट लड़ा था लास्ट ग्रेट टाइटन वॉर में। फिर जीक अनाउंस करता है कि फाइनली टाइवर फैमिली इज रेडी टू हेल्प। और जैसे जैसे ये मीटिंग चलता गया हम लोगों को ये भी पता चला कि सभी मर्लियन जनरल ये मीटिंग के सारी बातें चुप चुप के सुन रहे हैं। जीक ने चुपके से इंडिकेशन दे दिया था कि उन लोगों का बात सुना जा रहा है, और ये हिंट सिर्फ रायना ने नोटिस किया, और इसीलिए एपिसोड में रायना ने पॉर्को को अपना बात खत्म करने से रोका क्योंकि वो नहीं चाहता था पॉर्को कुछ ऐसा बोल दे जिससे लगे वो लोग रेबेलियन स्टार्ट कर सकते हैं। एनीवे गाइस, सो दैट वाज द ब्रेकडाउन, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना ऐसे ही ब्रेकडाउन वीडियोस और बनाओ या नहीं, एंड प्लीज डू सपोर्ट द चैनल, सब्सक्राइब कर दो यार। एनीवे बाय। Sasageyo!